नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। मैं जॉनी फिलोसफर, एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन आर्मी, आज आप लोगों के बीच एक स्टोरी लेकर आया हूँ। जिन शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे, उनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। कल उनकी जयंती है। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका असली नाम था, बाद में ये लोकप्रिय हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी रहे। वैसे तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। दोस्तों, भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तकरीबन 3 साल के करीब। भारत का संविधान दिल्ली में पैदा हुए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों लिखा गया था, परंतु भारत के संविधान में सबसे ज्यादा योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का रहा, इसलिए उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाबा साहेब की मौत के बारे में कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। राजा बच्चू सिंह, जो भरतपुर के राजा भी थे और साथ में एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक बार नेहरू जी, अंबेडकर साहेब और राजा बच्चू सिंह संसद में थे, तो बाबा साहेब ने थोड़ा अपमान में कुछ कह दिया था राजा बच्चू सिंह को, तो बच्चू सिंह ने सीधे पिस्तौल निकाली और गोली चला दी भरे संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई जगह लिखा गया कि बाबा साहेब की मौत डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी से हुई थी, कोई कहता कि गोली चलने से हुई थी, पर अभी तक कोई उनका पुख्ता सबूत नहीं है बाबा साहेब की मौत के बारे में। आज हम जितने भी भारतीय जिस संविधान को मानते हैं उसे पूरा करने में बाबा साहेब अंबेडकर का काफ़ी योगदान रहा, इसलिए हम उन्हें संविधान का जनक भी मानते हैं। आप सभी को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज बेल आइकन, लाल घंटी, टंग टंग टंग। जय भारत, जय।